ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए अब सीधा सौदा की जो 10 की टीम्स हैं उनका रैप अप कर देते हैं। ये जो स्टॉक्स में मेरे सामने 10 स्टॉक्स दिख रहे हैं, ये सिर्फ किसी ना किसी वजह से हरे और लाल है। वो स्टॉक की चाल पता नहीं कैसी रहेगी और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर आपको बताएगा, ये ध्यान रखिए। अच्छे नतीजे लगे थे एबीबी इंडिया के, ऑपरेशनली गजब परफॉर्मेंस, एबिटा डबल हो गया, बीईएमएल के मार्जिन बढ़िया एक्सपेंड करके चले गए, आरती इंडस्ट्रीज हैं मिले जुले। मेरे ख्याल से हेडलाइन नंबर्स एक मिस हैं पर एक पॉजिटिव सरप्राइज है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन की जगह एक्सपेंशन हो गया। एपीएल अपोलो के ऑपरेशनली वीक, टाटा मोटर्स ऑपरेशनली म्यूटेड से और कमेंट्री गड़बड़ा गई, यूनियन बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ठंडे ऑपरेशनली कमजोर है, आईसीआईसीआई बैंक में एक सीनियर रेजिग्नेशन के चलते लाल लेके चल रहा हूं, आईटीडीसी की स्ट्रांग परफॉर्मेंस थी, मेघबनी ऑर्गेनिक्स की खराब थी और जेएसडब्ल्यू स्टील का अप्रैल अपडेट जो है वो कमजोर, काफी लाल हो गए। लेकिन ये 10 के स्टॉक, 10 की टीम। शुरुआत करते हैं पिरामल फार्मा से। नंबर काफ़ी इनके बढ़िया निकल के आए हैं और पूरी तरीके से आप पैट पे देखें या मार्जिन पे देखें, नंबर बहुत इंप्रूवमेंट हुए। वैसे ही सिरमा एसजीएस ने भी 2-3 क्वार्टर बहुत बुरे नंबर देने के बाद अच्छे नंबर दिए हैं। सरला परफॉर्मेंस फाइबर, नुआमा वेल्थ, स्टर्लिंग, ये सारे अच्छे नंबर्स पे यहाँ पे रखे गए हैं। Q4 में प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया। वेल्समैन कॉर्प को एक खबर है कि करीब 615 करोड़ का इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 100 पाइप सप्लाई का। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के नंबर वीक दिख रहे हैं, ऑफिशियली भी कमज़ोर हैं। HPBP में एक तो दो ब्रोकरेज रिपोर्ट हैं, UBS और नोमुरा के, जहाँ पे बाई कॉल इनिशिएट की इन्होंने, साथ ही वैल्यूशन वाइज भी काफ़ी सस्ते दिख रहे हैं। पॉलीकैब में भी सिटी की बाई कॉल है, काफ़ी ऊँचे टारगेट है लेकिन स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आज मतदान शुरू हो गया और अगर आपने अब तक नहीं किया है तो तुरंत तैयारी करिए, जलपान बाद में करिएगा, पहले मतदान कराइए, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो एक काम वो आपको करना है, फिर लौट के आके आप ट्रेड करिए, मार्केट खुलने में 1.5-2 घंटा है। साथ ही US मार्केट के संकेत और एशियन संकेत को मिक्स करके आपको डाइजेस्ट करना है। अगर एक शायरी से शुरुआत हो जाए तो दिन बढ़िया बन जाता है, लेकिन वीरू उम्मीद करें क्या? नहीं ना, नहीं नहीं, नहीं आज नहीं, आज तो आजकल आज वैसे इलेक्शन डे है नीरज, वैसी घबराहट होती है बाजार को, है ना? तो घबराहट भी लिख देते, इलेक्शन से डर लगता है, घबराहट भी लिख देते। शुक्रवार को नीरज, शुक्रवार को आज शेड्यूल नहीं है, आज बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल सपाट, चाहे वो गिफ्ट निफ्टी हो चाहे डाउ जोन्स फ्यूचर्स। आशीष गुड मॉर्निंग, नीरज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज वीरू होंगे साथ में मुनाफे की तैयारी में, हम दोनों कोशिश करेंगे अगला एक घंटा जो है सारी बाजार से रिलेटेड उलझने, खबरें सब कवर अप कर ली जाए ताकि